दोस्तों मेरे पास है ये Mi A3 डिवाइस और आपको पता है जब भी हम इसमें फिंगरप्रिंट अनलॉक सेटअप करते हैं तो सेटअप होने के बाद आपको हमेशा यहाँ पर जो है एक फिंगरप्रिंट का आइकन दिखाई देगा। अगर आप फोन को रख भी देते हो तो थोड़ी देर के बाद जो है अगर आप फोन को टैप भी करेंगे या तो फोन को हाथ से उठा भी लेंगे तो ये जो आइकन है ये हमेशा आपको यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो आइकन है अगर हम फोन को उठा लेते हो तो वेकअप आइकन जैसे कहा जाता है उस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। या तो फोन को डबल टैप करेंगे या सिंगल टैप भी हुआ फोन हिल गया तो भी ये जो आइकन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि फोन की जो बैटरी है वो ज्यादा ड्रेन होती है, क्योंकि ये जो आइकन है ये जो सिस्टम दिया है इस फोन में ये सिस्टम जो है ये बैटरी कंज्यूम करता है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आपके फोन की बैटरी जो है वो काफी सेव हो सकती है। तो इस आइकन को कैसे बंद करना है, कैसे स्टॉप करना है शो होने से, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको करना होगा क्या कि आपके फिंगरप्रिंट को अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। तो सेटिंग में जाते हैं हम, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है सिक्योरिटी एंड लोकेशन, जो कि आपके सेटिंग में मिल जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लोकेशन है, उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पिन मांग रहा है तो मैं पिन यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट जो हमने ऐड किए हैं वो फिंगरप्रिंट दिख जाएंगे, और उसके नीचे आपको ये जो है एक नोट मिल जाएगी, जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि शो फिंगरप्रिंट आइकॉन व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ। तो ये जो ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है इस ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना है। यहां पर आप नीचे नोट भी क्लियरली देख सकते हो, यहां पर बताया गया है कि दिस फीचर इंक्रीज सिस्टम पावर कंजप्शन, यानी ये जो फीचर है ये आपके फोन की बैटरी कंज्यूम करेगा और जिसकी वजह से बैटरी बैकअप कम मिलेगा। तो हम इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिंगरप्रिंट हमारा वर्क करेगा ही। सिर्फ प्रॉब्लम इतनी होगी कि आपको यहाँ पर आइकन दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमें तो पता है कि फिंगरप्रिंट सेंसर किसका कहाँ पर माउंट है। अब मैं कितना भी फोन हिलाऊं या यहाँ पर रख दूं तो यहाँ पर आपको आइकन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट अनलॉक हमारा काम करते रहेगा। अब आप देख सकते हो मैंने कई बार फोन को हिलाया है और यहाँ पर रख भी दिया है, लेकिन यहाँ पर आइकन आपको नजर नहीं आएगा। अगर आपको फोन अनलॉक करना है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका फोन जो है अनलॉक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जो उसका यहाँ पर फिंगरप्रिंट का आइकन है वो दिखाई नहीं देगा, और हमें तो पता ही है कि फिंगरप्रिंट की जो यहाँ पर पोजिशन है किस जगह पर है। तो हम यहाँ पर उंगली रखते हैं तो फोन अनलॉक हो जाता है। तो ये जो है फीचर इसे आपको ऑफ कर देना है, जिसकी वजह से आपके फोन की बैटरी लाइफ काफी बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी टिप्स Mi A3 फोन के लिए। अगर आपके पास ये फोन है तो आप इस टिप को जरूर से अप्लाई कीजिए ताकि आपके फोन की बैटरी लाइफ जो है वो काफी इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।